पद की भी लड़ाई है, जबकि बीजेपी में कोई भी पद बदले जाने पर ऐसा कोई विवाद नहीं होता। हांसी में बीजेपी प्रत्याशी विनोद भयाना ने सीएम ने जन आशीर्वाद सभा की, जिसमें सीएम ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और साथ ही कहा कि इन दिनों देश में भारत माता की जय और सोनिया माता की जय बोलने वालों के बीच मुकाबला है। सीएम मनोहर लाल ने बेरी विधानसभा क्षेत्र में रैली को संबोधित किया। सीएम ने बीजेपी प्रत्याशी विक्रम कादियान के समर्थन में जनता के बीच हुंकार भरी। बेरी में संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि हमारे काम करने का तरीका जनता ने देखा है और वहीं पीएम ने दुनिया में देश का मान बढ़ाया है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सीएम ने कहा कि जींद उपचुनाव में रणदीप सिंह सुरजेवाला की जमानत मुश्किल से बची है, वहीं बीजेपी हरियाणा में बिना भेदभाव के काम करवाया है। कहा कि विधायक बनाने का काम जनता का है और विक्रम कादियान को विधायक बनाना है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद एक भी आतंकी घटना नहीं हुई है। पहले की सरकार ने भाई भतीजावाद किया, लेकिन इस बार कांग्रेस मुक्त हरियाणा बनाना है, साथ ही विक्रम कादियान के समर्थन में वोट भी मांगे। कलनौर में सीएम मनोहर लाल ने जनता को संबोधित किया। सीएम ने कलनौर से बीजेपी प्रत्याशी राम अवतार वाल्मीकि के लिए जनता के बीच चुनावी हुंकार भरी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल बरवाला में जनता के बीच चुनावी हुंकार भरी। यहां पर बरवाला से बीजेपी प्रत्याशी सुरेंद्र पुनिया के समर्थन में जनता को संबोधित किया। हरियाणा में चुनाव को लेकर बीजेपी ने चुनाव प्रचार की तैयारी शुरू कर दी है। बता दें आपको कि चुनाव प्रचार को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा की जनता को संबोधित करेंगे, जबकि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह करीब 10 रैली करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी हरियाणा में 4 रैलियां करेंगे। बता दें आपको कि 14 अक्टूबर को बल्लभगढ़ में रैली करेंगे, 15 अक्टूबर को कुरुक्षेत्र और दादरी में सभा करेंगे। चुनाव प्रचार को लेकर बीजेपी पूरा दमखम दिखाएगी। 18 अक्टूबर को पीएम नरेंद्र मोदी हिसार में लोगों को संबोधित करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह हरियाणा में 9 से 14 अक्टूबर तक हरियाणा के दौरे पर रहेंगे। 9 अक्टूबर को अमित शाह कैथल, बरवाला, भिवंडी और रोहतक में गरजेंगे। इसके बाद 14 अक्टूबर को फतेहाबाद, जींद, पंचकुला, कालका, कलनौर, गुरुग्राम और झज्जर में जनता को संबोधित भी करेंगे। हरियाणा के स्टार प्रचारकों के लिस्ट में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल हैं। बता दें कि 11 अक्टूबर को सीएम योगी आदित्यनाथ कालका, नारायणगढ़, जींद और सोनीपत में रैलियों को संबोधित करेंगे। कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 11 अक्टूबर को डब्बाली, रानिया, कालावली, गुरुग्राम और पटौदी में रैली करेंगे और बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन ने कहा है कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी का टिकट लेने वाला कोई नहीं है। साथ ही शहनवाज हुसैन ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी जुबानी हमला किया। शहनवाज हुसैन ने कहा कि हुड्डा भी अपनी सीट नहीं बचा पाएंगे, इस बार हरियाणा से कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो जाएगा। बीजेपी के चुनाव प्रभारी नरेंद्र सिंह तोमर, राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर अनिल जैन बल्लभगढ़ पहुंचेंगे। बता दें आपको कि जहां पर 14 अक्टूबर को फरीदाबाद में पीएम मोदी की रैली को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और इस दौरान कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल समेत सभी विधायक मंत्री मौजूद रहे। गुरुग्राम में विधायक उमेश अग्रवाल की पत्नी अनीता लूथरा अग्रवाल ने अपना नामांकन वापस लिया है। बीजेपी से उमेश अग्रवाल का टिकट कटने पर पत्नी अनीता ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन भरा था। ने 75 पार का नारा देते हुए जीत का दावा ठोका और कहा कि चुनाव में बीजेपी की 75 सीटें जरूर आएंगी और मेरी बीजेपी के खाते में आएगी। हरियाणा में बीजेपी के उपाधियों को गिनाते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि बीजेपी सरकार ने भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म किया है, पढ़ाई की व्यवस्था अच्छी हुई और राज्य में 72,000 सरकारी नौकरियां दी गई। 5 साल में 4 लाख लोगों को निजी क्षेत्र में नौकरियां मिली। सीएम ने कहा कि बीजेपी राष्ट्रीय हितों के से समझौता नहीं करेगी, हम राष्ट्रीय और राज्य दोनों मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे, हमें उम्मीद है कि जनता फिर से बीजेपी को मौका देगी। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद एक भी आतंकी घटना नहीं हुई है। पहले की सरकार ने भाई भतीजावाद किया, लेकिन इस बार कांग्रेस मुक्त हरियाणा बनाना है, साथ ही विक्रम कादियान के समर्थन में वोट भी मांगे।
कलानौर में सीएम मनोहर लाल ने जनता को संबोधित किया। सीएम ने कलानौर से बीजेपी प्रत्याशी राम अवतार वाल्मीकि के लिए जनता के बीच चुनावी हुंकार भरी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल बरवाला में जनता के बीच चुनावी हुंकार भरी। यहां पर बरवाला से बीजेपी प्रत्याशी सुरेंद्र पुनिया के समर्थन में जनता को संबोधित किया। हरियाणा में चुनाव को लेकर बीजेपी ने चुनाव प्रचार की तैयारी कर ली है। चुनाव प्रचार को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा की जनता को संबोधित करेंगे और जबकि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह करीब 10 रैलियां करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी हरियाणा में 4 रैलियां करेंगे। 14 अक्टूबर को बल्लभगढ़ में रैली करेंगे। 15 अक्टूबर को कुरुक्षेत्र और दादरी में सभाएं करेंगे। चुनाव प्रचार को लेकर बीजेपी पूरा दमखम दिखाएगी। 18 अक्टूबर को पीएम नरेंद्र मोदी हिसार में लोगों को संबोधित करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह हरियाणा में 9 से 14 अक्टूबर तक हरियाणा के दौरे पर रहेंगे। 9 अक्टूबर को अमित शाह कैथल, बरवाला, भिवंडी और रोहतक में गरजेंगे। इसके बाद 14 अक्टूबर को फतेहाबाद, जींद, पंचकुला, कालका, करनाल, गुरुग्राम और झज्जर में जनता को संबोधित करेंगे। हरियाणा के स्टार प्रचारकों के लिस्ट में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल हैं। 11 अक्टूबर को सीएम योगी आदित्यनाथ कालका, नारायणगढ़, जींद और सोनीपत में रैलियों को संबोधित करेंगे। कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 11 अक्टूबर को डब्वाली, रानिया, कालावली, गुरुग्राम और पटौदी में रैली करेंगे और बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन ने कहा है कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी का टिकट लेने वाला कोई नहीं है। साथ ही शहनवाज हुसैन ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी जुबानी हमला किया। शहनवाज हुसैन ने कहा कि हुड्डा भी अपनी सीट नहीं बचा पाएंगे, इस बार हरियाणा से कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो जाएगा। शहनवाज हुसैन ने कहा कि बीजेपी ने हरियाणा में ईमानदारी से काम किया है और सीएम मनोहर लाल की नीयत साफ है, इस बार हरियाणा में बीजेपी 75 पार करेगी। बीजेपी के चुनाव प्रभारी नरेंद्र सिंह तोमर, राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर अनिल जैन बल्लभगढ़ पहुंचे, जहां पर 14 अक्टूबर को फरीदाबाद में पीएम की रैली को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की गई। इस दौरान कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल समेत सभी विधायक मंत्री मौजूद रहे। हिसार में पूर्व वित्त मंत्री प्रोफेसर संपत सिंह ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया है। बता दें कि संपत सिंह ने कहा कि आदमपुर, नलवा, फतेहाबाद में मेरी राजनीति खत्म करने वालों का विरोध करूंगा। कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मेरे लिए टिकट की कोशिश भी नहीं की। फतेहाबाद में अशोक तंवर के समर्थक कांग्रेस के प्रदेश महासचिव भरतेक चंद मिड्डा समेत काफी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव टेक चंद मिड्डा ने कहा कि मजदूरी का फल किसी और को मिला। गुरुग्राम में विधायक उमेश अग्रवाल की पत्नी अनिता लूथरा अग्रवाल ने दरअसल अपना नामांकन वापस लिया। बीजेपी से उमेश अग्रवाल का टिकट कटने पर पत्नी अनिता ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन भरा था। यमुनानगर में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुभाष चौधरी जगाधरी से बीएसपी प्रत्याशी आदर्श पाल का चुनाव में समर्थन करेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 अक्टूबर को पुणे सतारा में रैली करेंगे। साथ ही अन्य 9 शहरों में भी जनता को संबोधित करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह महाराष्ट्र में 18 रैलियों को संबोधित करेंगे। यहां बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में जनता से वोट मांगेंगे। महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और एनसीपी ने संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया है। बता दें आपको कि विधानसभा चुनाव में एक ओर जहां पर कांग्रेस एनसीपी का गठबंधन है तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी और शिवसेना मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। गठबंधन में कांग्रेस और एनसीपी दोनों के खाते में 125-125 सीटें आई हैं। राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए 21 लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल।